नमस्कार, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं, तो आज के वीडियो में होने वाला है कटोरी को कैसे बढ़ाते हैं। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि कटोरी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है या फिर बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर आज हम कटोरी एकदम प्रॉपर तरीके से कैसे कट करते हैं आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फिर वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिए, वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो फिर चलिए जल्दी से जल्दी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने कटोरी निकाली है, अब मैं आपको बताती हूँ कि कटोरी हमें कैसे बढ़ानी है। यहाँ पर प्लेन पेपर लिया है, कटोरी को हमें रखते वक्त ऐसे क्रॉस में रखना है। देखिए, ये मैंने 34 साइज की कटोरी ली है, इसको ऐसे प्लेन पेपर पर क्रॉस में रखने वाली हूँ और फिर इसको सभी तरफ से मार्किंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमें कैसे बढ़ाना है। इस वाले कॉर्नर पर और इस वाले कॉर्नर पर हमें 1.25 इंच पर दोनों तरफ बढ़ाना है। 1.25 इंच पर इधर की साइड में 1.25 इंच और फिर इधर की साइड में भी। और फिर हमें यहाँ से यहाँ तक ऐसे टेप लगाना है और फिर इसका हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। तो यह 5.5 इंच, तो इसका जो हाफ है वो आएगा हमारा 3.25 इंच पर। और यहाँ से नीचे हमें लेना है 1.5 इंच और फिर हमें इसे तीनों पॉइंट को इसे जोड़ लेना है। ये जो हमारी हुक पट्टी आएगी, यहां से हमें सीधे से क्रॉस पट्टी क्रॉस लाइन देनी है। और अब जो मेन पॉइंट आता है वो है हमारी कटोरी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है या फिर बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है। तो हमें इसको यहाँ से यहाँ तक राउंड शेप देते वक्त हमें क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपको शेप देना नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक राउंड शेप दिया है इसको हमें चार भाग करना है। तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक ये जो जितना भी इंच आ रहा है उसको पहले हम नाप लेते हैं। यहाँ से हम नापना शुरू करेंगे। ये आ गया हमारा 7.5 इंच। तो इसका हमें चार भाग करने हैं 7.5 के। 7.5 पर ऐसा और फिर और एक बार। तो अब हम देखते हैं हमारा चार भाग कहाँ पर होते हैं, 2.25 इंच पर। तो हमें यहां से यहां तक 2.25 इंच पर मार्क करना है। यहां पर एक 2.25 इंच, यहाँ पर एक 2.25 इंच। तो यहाँ पर पहले हम लेंगे 1/2 इंच पर यहाँ पर 1/2 इंच और ये जो पॉइंट है दूसरा वाला वहां पे हमें लेना है 1/2 इंच। ये जो तीसरा पॉइंट है वहां पर लेना है 1/2 इंच और यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है वहां पर हमें लेना है 1 इंच और फिर यहां से शेप देना है। तो अब हमने ये जो चार पॉइंट निकाले हैं इसको हम राउंड शेप दे देते हैं। अगर आप इस तरह से कटोरी का शेप देंगे या फिर इस तरह से आप कटोरी का नाप लेंगे तो आपको आपकी जो कटोरी है वो कभी भी चूकेगी नहीं। तो इस तरह से हमारी जो कटोरी है वो बढ़ गई है, इसको हम कट कर लेते हैं। पहले
टैग में जो हमारी हुक की पट्टी आने वाली है तो यहाँ पर हमें आधा इंच यहाँ से ऊपर आधा इंच लेना है। ये हम देख लेते हैं हमारी डोरी जो है वो एकदम अच्छे से आई है या नहीं। तो हम इन दोनों पॉइंट को हम पहले मिला देते हैं। अगर इधर के भी साइड में कम अगर बढ़ गया हो तो आपको कट करना है। देखिए मेरी दोनों तरफ से जो कटोरी है एकदम बराबर से आई है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी हुक की पट्टी है इधर की साइड में हमें नीचे से ऊपर आधा इंच लेना है। यहाँ पे आधा इंच लिया ऊपर और फिर ये जो कॉर्नर है यहाँ से इधर की साइड में एक इंच जो है एक इंच पर मार्क करना है हमें। यहाँ पे आ गए एक इंच, तो हमें ये जो आधा इंच और ये एक इंच है वहां पर हमें कर्व आकार देना है, मतलब राउंड शेप एकदम नॉर्मल एकदम छोटा सा राउंड शेप देना है। ये हमारी जो ये नीचे की जो पट्टी है वो एकदम अच्छे से बैठेगी। देख सकते हो कि हमने जो फ्रंट साइड बनाई है वो एकदम अच्छे से बैठती है या नहीं। ये देखिए कटोरी कट होने के बाद अगर आप जोड़कर देखोगे तो यहाँ से 1.25 इंच या फिर 1 इंच एक्स्ट्रा आती है और वो आनी भी चाहिए। और फिर आप ब्लाउज सिलने के बाद कटोरी लगाने के बाद अगर एक्स्ट्रा रह गया तो आप उसको बाद में कट कर सकते हो। तो फिर कैसा लगा वीडियो? आप अगर हमारे वीडियो के एंड तक आए हो तो वीडियो को जरूर एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारे आप वीडियो कंटिन्यूअसली देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो फिर चलिए मैं मिलती हूँ आपको अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए।